जब आप ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो इसमें आप कहाँ वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा सकते हैं अपने बच्चे को। तो जैसे अगर कोई पीस ऑफ पजल है वो ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, तो जब वो बच्चा उठा रहा हो तो अरे ये घास आपको कहाँ मिली, टेबल के ऊपर या फिर चेयर के नीचे, तो वो चीजें भी आप प्रैक्टिस उनको करवा सकते हैं। कहाँ वाले क्वेश्चंस तो आप करा ही रहे हैं कि जब वो बच्चा आपके पास पीस पजल का पीस लेके आता है तो आप उसे पूछेगा अरे ये कहाँ जाएगा या फिर ये क्या है और ये क्या किसके पास जाएगा, या फिर उसके जो हाथ में है वो आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है। आप कलर्स भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। तो उसमें आप काफी चीजें आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक और तरीका इसको थोड़ा मजेदार बनाने का, या फिर अपने बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देने का जहाँ पे वो खुद से चीजें मांगे, कि ऐसे कि आप उस एक ये तरीका आप ला सकते हैं कि जो आपके पीसेस ऑफ पजल हैं इनको आप किसी टाइट बॉक्स में रख दीजिए, ताकि बच्चा वो अपने आप खोल ना पाए, वो देख सके कि पीसेस ऑफ पजल उस बॉक्स के अंदर है बट वो उसको अपने आप खोल ना पाए। तो एक वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी जहाँ पे बच्चे को वो चीज़ आपसे मांगनी ही पड़ेगी। तो उसमें बच्चा अगर बॉक्स लेके आपकी तरफ देख रहा है या फिर एक इशारा कर रहा है कि उसको खोलो, उस टाइम पे आप बच्चे को लैंग्वेज दे सकते हैं कि ओ आप चाहते हो कि मैं ये खोलूं, अच्छा खोल दो, और फिर खोल के आप वो पीस ऑफ पजल उनको पकड़ा सकते हैं। फिर वो जब कंप्लीट कर ले वो फिर से आपसे बॉक्स आपको बॉक्स दें, फिर से आई कॉन्टैक्ट करें, फिर से कुछ करने की कोशिश करें कम्युनिकेट, और तब आप उन्हें लैंग्वेज दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप फंक्शनल वोकैबुलरी जो हम रोज के एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, जैसे खोल दो, दे दो, फिनिश, और चाहिए, ये सारी चीजें आप इस एक्टिविटी के थ्रू प्रैक्टिस जरूर करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे के गोल्स क्या हैं और आप उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप उन्हें एनिमल सिखाना चाह रहे हैं तो आप एनिमल पजल्स ले आइए, अगर आप उन्हें व्हीकल सिखाना चाह रहे हैं तो आप व्हीकल्स पजल्स ले आइए। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पजल्स करा रहे हो तो आप भी पजल्स के बारे में बात करें, ताकि बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर आपको आपका आपको दोहरा भी नहीं रहा है पर एटलीस्ट समझ रहा है कि आप उनसे उनका क्या बता रहे हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन में बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से आप पजल्स काफी तरीकों से यूज कर सकते हैं। थैंक यू। Pinocchio Bloom's Network ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పీచ్ డిలే, ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్, కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంటల్ సైకలాజికల్ రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న దాదాపు 80 కోట్ల మంది పిల్లలు మరియు పెద్దల జీవిత ప్రమాణాలు మెరుగయ్యే విధంగా దశాబ్దాల రీసెర్చ్ తో కూడినటువంటి అత్యంత ప్రభావవంతమైన స్పీచ్ థెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ, బిహేవియరల్ థెరపీ, సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మరియు రీహాబిలిటేషన్ సర్వీసులు అందిస్తున్న ఏకైక స్పెషల్ ఎడ్యూ హెల్త్ కేర్ సంస్థ Pinocchio Bloom's Network ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి సారిగా మిరాకిల్ అనే పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ సహాయంతో అత్యంత పారదర్శక థెరపీ సర్వీసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ Pinocchio Bloom's Network 100 మందికి పైగా నిష్ణాతులైన థెరపిస్టులతో మీ మరియు మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కొరకు పాటుపడుతున్న సంస్థ Pinocchio Bloom's Network భారత ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక స్టార్టప్ ఇండియా అవార్డు పొందిన భారత్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ।